हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमें जरूरत है। इस दुनिया से कामयाब वही जाएगा जो नबी की मोहब्बत लेकर जाएगा, और वफात के वक्त उस वक्त इम्तिहान की घड़ी होती है, बड़ा सख्त मामला होता है। ऐसे वक्त में सोचो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाए, तो यकीनन वो एक कामयाब इस दुनिया से चला गया। ऐ नूरे खुदा, नात पाक शुरू करो। ऐ सबसे गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना जब वक्त नजा आए, दीदार अदा करना, यानी आखिरी वक्त आए तो दीदार अदा करना। और शबे जुमा हम लोग जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल कद्रिल अज़ीम जा व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम, जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो जिक्र में आते हैं वो इज्तिमाई तौर पर पढ़ते हैं और मैसेज भी हर एक के पास पहुंचाया जाता है, देखकर पढ़ते हैं। इसकी भी फजीलत वही है कि जो बंदे मोमिन इसका आदि होगा, अपनी आदत में से बनाएगा, तो वक्त नजा यानी आखिरी वक्त, इतना सख्त वक्त, सकरार का वक्त, जानकनी का वक्त, यानी हदीसों में कि अगर उस पर तलवारों की कहीं वार बदन पर मार दिया जाए, कई वार मारने के बाद जो तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मरने वाले को जानकारी के वक्त होती है। ऐसे वक्त में हमें अपने तवज्जो अठा देना चाहिए इस तकलीफ से, तो उसके लिए एक बेहतरीन जरिया के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार, नबी की जियारत, नबी की जियारत। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि हम नींबू या फ्रूट नहीं काट रहे हैं बल्कि क्या उंगली काट रहे हैं। जब उन्होंने नकाब डाला तो उन्हें एहसास हुआ कि हम उंगलियां काट रहे हैं, उन्हें दर्द महसूस हुआ। जब तक देखते रहे दर्द उन्हें महसूस नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम ये दुरूद पाक पढ़ते रहे नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में दीगर दुरूद वगैरह का विरद औराद वज़ाइफ करते रहे, तो इंशाअल्लाह वक्त नज़ा जब नबी का दीदार होगा, तो ऐसे वक्त जो तकलीफ बताई गई वो तकलीफ होती रही हमें एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने जलवाए हबीब होगा, जलवाए मुस्तफा होगा। फिर कब्र में जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी हमें किसकी जरूरत है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जरूरत है। नबी ही हमारे वहां पर हिफाजत फरमाएंगे, लिहाजा नबी की मोहब्बत में हमें अल्लाह ताला जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। शमे रिसालत के परवानों सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के हवाले से हमें मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें समाप्त करना है, क्योंकि मुझे एक वलवला के बयान नहीं करना है यहाँ पर, बस कुछ बातें समझाना है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत जो मुख्तसर 2 साल 3 माह का था, उस मुख्तसर से वक्फे में उन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिया, कैसे कैसे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, जिसका इफादा, जिसका फायदा हम आज भी देख रहे हैं दिन में, उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया। शमे रिसालत के परवानों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाहिरी जिंदगी में ही ये बात सहाबाए कराम में मशहूर थी कि अफजल अगर सहाबाए कराम में कोई है तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। बारहा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत सहाबाए कराम के दरमियान बयान फरमाई, और हमेशा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज्जत अफजाई फरमाई। महफिल में भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीहत के लिए बैठते, सहाबाए कराम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद होते, अगर सिद्दीक अकबर उस महफिल में आते, सिद्दीक अकबर की आदत करीमा थी कि जब भी आते तो उनकी आजिज़ी और इनकिसारी ये थी कि वो पीछे ही बैठ जाते, खांदा फलांग कर आगे नहीं आते, पीछे ही बैठ जाते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहा ना जाता,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुफ्तगू को रोकते और कहते कि मेरे सिद्दीक को आगे जगह दे, यानी अपने पास बिठाना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज्यादा पसंद फरमाते थे। यहाँ तक एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं सफर में निकले थे तो सिद्दीक अकबर भी थे तो एक सहाबी सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के आगे आगे चल रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तरह टोक कर कहा, तुम जानते हो तुम किसके आगे चल रहे हो, तुम जानते हो तुम किसके आगे चल रहे हो, सिद्दीक हैं, इनका मकाम कहीं बुलंदों वाला है, तुम इनके आगे आगे ना चलो बल्कि इनके पीछे पीछे चला करो। शमे रिसालत के परवान हो। और मैंने फिरदौस नगर में भी बताया था कि नेकियों के मामले में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला ऐसा था कि सहाबाए किराम में कोई भी उनसे सबकत ले गया ही नहीं। हदीस पाक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में एक मरतबा सिर्फ अपनी इस चहीते की अहमियत और फजीलत बताने के लिए कि मेरे सिद्दीक के अंदर नेकियां करने का जज्बा किस कदर था और दूसरों को रगबत दिलाने के लिए कि तुम्हारे अंदर भी इस तरह की कैफियत होनी चाहिए बताने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में ऐलान किया कि बताओ तुम में से आज किसने रोजा रखा। गर्मी का मौसम था, आमतौर पर उन अय्याम में रोजे नहीं रखे जाते थे, तो जब नबी ने ऐलान किया तो सारे सहाबा खामोश, कोई भी रोजा नहीं रखा था उस दिन। तो सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने रात में ही नफिल रोजे के लिए किए। क्या कहा? रात से ही नफली रोजे की मैंने नियत की है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल ही दिल में हमेशा सोचते थे कि वो सिद्दीक अकबर से आगे बढ़े, दिल ही दिल में सोचने लगे आज भी अबू बकर सिद्दीक मुझसे आगे बढ़ गए। फिर नबी ने दूसरा सवाल किया, बताओ तुम में से आज किसी ने सदका किया, या दूसरा ये था क्या तुम में से किसी ने मरीज की इयादत की। सारे सहाबा खुद उमर बिन खत्ताब सोचने लगे, फजर की नमाज है, इतने फजर कौन इयादत कर सकता है। और उमर बिन खत्ताब ने दिल ही दिल में ये ठाना कि यहाँ से निकलूंगा तो फौरन किसी मरीज की इयादत करूंगा, यानी इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब ये सोच ही रहे थे कि सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जब निकला था मुझे पता चला कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अलील है, बीमार है, तो आते आते मैंने उनकी इयादत की। कब? फजर की नमाज के लिए सिद्दीक अकबर आते आते उन्होंने उनकी इयादत की, उनको यानी उनको देख कर आया। यहाँ पर भी सबकत लगे। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम में से कौन सदका किया। तो सहाबा सोचे फजर फजर कहाँ सदका करे, नमाज के लिए आए। तो सिद्दीक अकबर वहां पर भी खड़े होकर कहने लगे, जब मैं आया था तो एक ऐसा फकीर दरवाजे पर था मस्जिद का जो रात भर का भूखा था, मैंने अपने बेटे से कहा जाओ इन्हें घर ले जाओ और इन्हें या घर से कुछ सामान लाकर खाने के लिए दे दो, यानी मैंने सदका किया। शमी रिसालत के परवानों, और करने का मकाम कि फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान ऐलान कर रहे हैं, तो सोचो कि सिद्दीक अकबर ने ये तीन काम और भी कई काम उन्होंने किए जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, वो काम फजर से पहले ही सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया है, यानी उबहुल खैरात जो कुरान पाक की आयत है उबहू उसके मजार हो सिद्दीक अकबर पुराने पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया नेकियों में आगे बढ़े। तो सिद्दीक अकबर हर लम्हा उनकी कोशिश ये होती थी कि वो नेकियों में आगे बढ़े, नेकियों में आगे बढ़े। और खिलाफत के दौर इंशाल्लाह खिलाफत की बात आगे आएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिद्दीक अकबर खलीफा कैसे बने और किस तरह सहाबा इकराम ने उन्हें खलीफा चुना, फिर उनकी खिलाफत किस तरह थी, ये मुझे मुख्तसर से वक्त में बयान करना है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सिद्दीक अकबर जब खलीफा हुए तो रात भर सोते नहीं थे बल्कि डरते थे कि मेरी खिलाफत में कोई भूखा ना रह जाए। मदीने मुनव्वरा में एक ऐसा भी ऐसी भी एक जगह थी, ऐसा भी एक मकाम था जहां पर एक बुढ़िया थी जो आंख से मासूर थी,
और उसके उसके लिए देखभाल के लिए कोई भी नहीं मिला। सिद्दीक अकबर को जब पता चला तो खलीफा थे तो रात में जाकर उसकी उसको देख उसको खिलाते थे पिलाते थे उसका देखभाल करते थे। तो उमर बिन खत्ताब ने भी देखा कि खिलाफत के वक्त के दौरान कुछ वक्त सिद्दीक अकबर गायब रहते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं है। तो छुपकर उन्होंने देखा कि तो पता चला कि एक बुढ़िया के घर से कोई कंबल ओढ़कर बाहर निकल रहा है, बुढ़िया के घर से कंबल ओढ़कर बाहर निकल रहा है। जब उन्होंने छुपकर देखा कंबल उठाया तो देखा कि सिद्दीक अकबर उसकी खिदमत के लिए जाते थे। तो एक और बड़े आलिम के मुंह से मैंने सुना, जब उन्होंने देखा कि खलीफा होकर ये बुढ़िया की खिदमत कर रहे हैं तो दूसरे दिन उमर बिन खत्ताब ने सोचा कि इससे पहले मैं जाकर बुढ़िया की खिदमत करता हूं ताकि इन्हें ये मौका ना मिले खिलाफत के दौरान। तो उमर बिन खत्ताब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले उठे, पहले उठने के बाद उस बुढ़िया के घर में गए, बुढ़िया के घर में जाकर उस बुढ़िया को खिलाने लगे, बुढ़िया को खिलाने लगे। अभी खिला ही रहे थे तो बुढ़िया के मुंह में एक ही लुकमा गया था। बुढ़िया ने बर्जस्ता पूछा, आंख से माजूर थी, अंधी थी बुढ़िया। बुढ़िया ने बर्जस्ता कहा, क्या खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ? क्या कहा बुढ़िया ने? खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ? तो उमर बिन खत्ताब पूछने लगे, ए बुढ़िया तू तो आंख से माजूर है, तू नहीं देख पाती है, तुझे कैसे पता चला कि खलीफा वक्त का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ? तो बुढ़िया कहती है, आज मेरे मुंह में जो लुकमा पड़ा वो बहुत सख्त था, इससे पहले जो लुकमा पड़ता था जो खलीफा वक्त अपने दांतों से छबाकर, कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, अपने दांतों से छबाकर मेरे मुंह में लुकमा डाल दिया करते थे। आज इस तरह डायरेक्ट लुकमा मेरे मुंह में आया तो मुझे समझ में आया कि आज खलीफा वक्त नहीं बल्कि कोई और मेरे मुंह में लुकमा डाल रहा है। तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिली दिल में कहा, ऐ अबू बकर, नेकियों के मामले में आपसे कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। शमी रिसालत की परवान, ये मकाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। यहाँ तक जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल का वक्त करीब आया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त अलील हुए, यहाँ तक के बार बार गशी आती थी, नमाज को ना नहीं आ पाए। तो ऐसे वक्त में बिलाल आकर, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त है। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, मुर अबू बकर सिद्दीक, जाओ अबू बकर सिद्दीक को कहो कि हुक्म दो कि वो मुसलमानों की इमामत करे, मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ाए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि उनकी बेटी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, जानती थी कि सिद्दीक अकबर नबी की मोहब्बत में हमेशा रोया करते थे, हमेशा नबी की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे। अब आयशा सिद्दीका जानती थी कि जब मुसल्ले इमामत पर सिद्दीक अकबर पहुंचेंगे, मुसल्ला खाली देखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहां पर नहीं पाएंगे तो रोने लगेंगे, फिर जब किरात करेंगे तो सारे मुसलमान उनकी किरात की आवाज नहीं सुन पाएंगे, इस तरह कुछ मामला हो जाएगा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज किया, आयशा सिद्दीका ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नरम मिजाज है, उनकी आवाज सब तक नहीं पहुंच पाएगी, लिहाजा मुनासिब ही है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु करने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप फरमा दीजिए कि वो इमामत करें। जब कहना था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हुआ, नाराजगी के आसार चेहरे पर जाहिर हुए, कहा नहीं नहीं मेरे मौजूदगी में सिद्दीक ही नमाज अदा करेगा, यानी नबी ने उम्मत को ये इशारा दिया, इंतखाब नहीं फरमाया था लेकिन इशारा दिया, मेरे बाद अगर इमामत खिलाफत इमारत का कोई अगर नायक है तो वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। शमी रिसालत के परवान, अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल का वक्त करीब आया, फजर की नमाज सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, यानी जिस दिन विसाल होना था उस दिन की बात बता रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाकर नमाजियों की तरफ देखा, फजर की नमाज हो रही थी, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे और करने के बाद तो पूरा इलाका चमक जाता था, दांत की रोशनी,
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो खुशबू फैल जाती थी, उजाला फैल जाता था। हदीस पाक की रोशनी में है तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो बहुत खुश हुए, यानी दीन मुकम्मल हो चुका है, हर जगह दीन के मानने वाले नजर आ रहे हैं, लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजों को देखकर सहाबा इकराम की तरफ देखकर पर्दा हटाकर यूं मुस्कुराया तो मुस्कुराहट की खुशबू फैल गई, उजाला फैल गया। सहाबा इकराम नमाज की हालत में थे, जब महसूस किया कि नबी जान नबी देख रहे हैं तो सबके अंदर कलबली मच गई। करीब था कि वो नमाज को तोड़कर नबी की तरफ तवज्जो होती, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला ये था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु खुद नमाज पढ़ाते थे तो किसी भी तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती थी, तो सहाबा इकराम ने इस चीज को पावर कराने के लिए सीटी लगाया ताकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चले कि नबी आ रहे हैं। जब नबी ने सहाबा इकराम को इस तरह हलचल मचाते हुए देखा तो नबी ने कहा अपनी नमाज को मुकम्मल करो। एक एक हुजरे के पर्दे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींच लिया। मामला सहाबा इकराम पूछने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला क्या है, तो उस वक्त हजरत अली जो भी सहाबा जो हुजूर के पास आते जाते थे उन्होंने कहा आज विसाल के दिन की बात बता रहा हूँ, आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ अशाश नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अलालत में कुछ कमी है। जब ये सुनना था तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी यानी उनकी अहलिया के घर मदीने मुनव्वरा से एक मील के पास ले पड़ता, एक मील के पास ले पड़ता, मैं वहां पर जाना चाहता हूं, जाकर आना चाहता हूं, तो नबी ने इजाजत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब चले गए तो वापस आने से पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, ये विसाल सहाबा इकराम पर एक ऐसा गम का बादल बनकर मंडलाने लगा कि अल्लाह अकबर तारीख गवाह है। तारीख में एक बात लिखी हुई कि सहाबा इकराम में से कुछ गूंगे हो गए, कुछ कुछ हालत ऐसी थी कि वो इस तरह दीवाना और इधर उधर करते थे, कुछ की हालत कुछ सहाबा का हार्ट अटैक हो गया सुनकर, यानी कुछ सहाबा ऐसे थे कुछ न कुछ पके जा रहे थे, ये हालत कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये हालत थी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने बताया कि नबी का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर आए तो क्या देखा कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ऐसे जलील कदर सहाबा इतने सख्त मिजाज और इस कदर सख्त होने के बावजूद नबी के विसाल पर अपने तलवार मियां से निकाल कर मदीने की गली में घूम घूम कर कह रहे हैं अगर किसी ने कहा कि नबी मर गए तो उसके घर तक उड़ा दो, इस तरह का यानी इस तरह की बातें सब कंट्रोल से बाहर हो गए थे। ऐसे वक्त में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आने के बाद सीधे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उजरे में दाखिल हुए तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर चादर है, चादर हटाकर दोनों आंखों के दरमियान बोसा देकर कहा कि वो समझ गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विसाल हुआ। हालांकि रिवायतों में है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल भी नबी की जुदाई में हुआ, नबी पाक सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत भी नबी की जुदाई में हुआ, जुदाई की वो गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, वहां तक के दो साल तीन महीने में ही इस दुनिया से चले गए। और वो सहाबी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे इस्तेकामत के पहाड़ बढ़कर वहां पर बोसा देने के बाद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको दोबारा ये मौत नहीं अता फरमाएगा, आप यकीनन इस दुनिया से चले गए हैं। जो कुछ कहना था कहने के बाद बाहर आए, आने के बाद सारे सहाबा जो आपे से बाहर हो गए थे, कंट्रोल से बाहर हो गए थे, सारे सहाबा को जमा करने की कोशिश की, जब कोई बात नहीं सुन रहा था तो बली फसी अंदाज में बुलंद आवाज से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अगर
अगर कोई उनके अल्फाज में अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा था तो मोहम्मद इस दुनिया से चले गए। क्या कहा? अगर कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। अगर कोई अल्लाह की इबादत करता तो अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। जब ये अल्फाज सिद्दीक अकबर की जुबान से सहाबा इकराम तो कंट्रोल से बाहर थे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब ये कहा तो सबकी तवज्जो इनकी तरफ आ गई। अब धीरे धीरे इनसे करीब होने लगे, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान पाक की आयत तिलावत की, उमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अफ इम्मा ताउ कतलत कलतम अला आबिकुम फतनखलब औ कमा قال الله تبارك وتعالى। इस आयत पढ़ी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब सिद्दीक अकबर की जुबान से इस आयत को सुना तो हमने सोचा कि हमने इससे पहले इस आयत को पढ़ी ही नहीं। यानी वो जहन के और वो कामिल शख्सियत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो ऐसे मुश्किल वक्त में, जो सबसे मुश्किल वक्त ये था कि सहाबा इकराम को एक फील्ड पर जमा करकर सहाबा इकराम की तवज्जो दीन की तरफ लाना था, तो उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बहुत बड़ा कारनामा है। उस वक्त तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बात पर सारे सहाबा जमा हुए, तो एक अच्छा बयान उस वक्त किया जिससे सहाबा इकराम सारे इकट्ठा हो गए, सबकी तवज्जो उस जाने से हट गई। अब दीन के हवाले से फिक्र करने लगे। अब बैठे ही थे, दूसरी जानिब से कुछ सहाबा दौड़ते हुए आकर कहने लगे, ऐ सिद्दीक अकबर, ऐ उमर बिन खत्ताब, सकीफा बनी साइदा एक जगह है। सकीफा गौर करने की जगह, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप अपने इसको अपने जहन में रखें। सकीफा बनी साइदा यानी सिद्दीक अकबर को अल्लाह ताला ने किस तरह का खलीफा बनाया। सकीफा बनी साइदा वो मकाम है जहाँ पर अंसार बैठकर फैसले वगैरह किया करते थे, अपने फैसले किया करते थे। तो वहाँ पर सारे अंसार जमा हो गए, मदीने के रहने वाले सारे अंसार सकीफा बनी साइदा में जमा हुए। जमा होने के बाद आपस में ये मशवरा करने लगे। अब वहाँ पर ज्यादा कुछ मुहाजिर नहीं थे, बल्कि अंसार सहाबा जो मदीने के रहने वाले वहाँ पर मौजूद थे। उसमें साद बिन उबादा जो उनके सरदार थे वहाँ पर मौजूद थे। आपस में मशवरा क्या हो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, अब हमें एक खलीफा चुनना है, लिहाजा अंसार इसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। क्या कह रहे थे अंसार? बनो यानी सकीफा बनी साइदा में जमा होकर यानी खलीफा के बनने के ज्यादा हकदार कौन है? अंसार है। इसलिए अंसार वो जमात है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदीने में मदद की और सहाबा इकराम को अपने विरासत में शामिल किया, अपना हिस्सा दिया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे वक्त में मदद की जबकि उनके खुद गाँव गांव से निकाला था। ये सारी बातें सोचकर वो सोच रहे थे कि खिलाफत के ज्यादा हकदार कौन? अंसार है। इस तरह मीटिंग हो रही थी तो किसी ने आकर सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब को आकर बताया कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। शमी रिसालत के परवानों और खोलने की बात है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत होकर है, अब तदफीन का मामला भी नहीं हुआ। इससे पहले ये बातें हो रही है, जब ये बात सुना तो दोनों फौरन निकल गए। कौन? सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब। कहाँ पर? सकीफा बनी साइदा की तरफ। रास्ते में किसी ने कहा, आप वहाँ ना जाएं, आप वहाँ ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वहाँ पर जाकर देखा कि अंसार अपने अंदर खलीफा चुनने के लिए तैयार है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही पूछे तो इस मामले को पूरा मुलाहिज़ा किया। अंसार किसी को बात करने की वहाँ पर बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। सब कह रहे हैं कि अम्मे से एक अमीर चुना जाए। यहाँ तक कि साद बिन उबादा के हवाले से फैसला होने वाला था, तो
ऐसे में किसी ने कहा अगर मुहाजरीन इनकी खिलाफत को नहीं माने तो क्या करें। एक सवाल उन्हीं में से, क्योंकि मुहाजरीन साहबा जो हुजूर के साथ आए थे तकलीफ बर्दाश्त कर मक्के से आए थे, अगर वो लोग इनको नहीं माने तो हम क्या करेंगे। तो उसमें से एक अंसारी साहब खड़े होकर कहने लगे ऐसा करते हैं एक अमीर एक खलीफा अंसार में से चुन लेते हैं, एक खलीफा मुहाजरीन में से चुन लेते हैं। जब ये बात हुई तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा एक मुल्क में दो खलीफा होंगे तो ऐसी सूरत में मुल्क सही से हम नहीं चला पाएंगे, फितना फसाद बर्पा होगा। लिहाजा मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाने वाला हूँ। वो हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हालांकि बहुत सारे सहाबा मौजूद थे किसी के जहन में ये हदीस नहीं थी, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद जो भी खलीफा होंगे वो खानदान कुरैश से होंगे। कहाँ से होंगे? खानदाने कुरैश से होंगे और अंसार वजीर होंगे। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अरब में अगर सबसे अफजल कोई कबीला है तो कबीले कुरैश है, नबी का कबीला है, लिहाजा नबी के कबीले से किसी को छुन लिया जाए तो शमी रिसालत के परवानों उस वक्त कबीले कुरैश से वहाँ पर अबू उबैदा बिन जर्राह भी मौजूद थे, उमर बिन खत्ताब भी मौजूद थे। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब और उबैदा बिन जर्राह का दोनों के हाथ पकड़कर अंसार के सामने रखा, कहा ये खानदान कुरैश से है, ये कबीले कुरैश से है, लिहाजा इन दोनों में से किसी को आप खलीफा चुन लो, इसलिए कि उबैदा बिन जर्राह वो है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत कहा, यानी इस उम्मत के अमीन कहा, और उमर बिन खत्ताब वो है जिनके हवाले से नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। ये दो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, बताओ इन दोनों में से किनको खलीफा चुनना चाहते हैं? किसने कहा था ये बात? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उनके उस जहन में उस वक्त खलीफा बनने का ख्याल नहीं था। ये जो कुछ करते थे ये नेकी थी, ये नेकी का सिरा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा उन्हें आगे आगे पेश किया, उनकी फजीलत बयान की। तो शमी रिसालत के परवानों जो सिद्ध दिल से जो नेकियों में सबकत लेता ले जाता है अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रायगा नहीं फरमाता बल्कि उसे वो बदला अता फरमाता है जिसका वहम गुमान में भी नहीं जाता। तो सिद्दीक अकबर ने दोनों को पेश किया था, उमर बिन खत्ताब और उबैदा बिन जर्राह को पेश किया था। जब दोनों की बात आई तो उबैदा बिन जर्राह और उमर बिन खत्ताब दोनों पलट कर किसकी तरफ देखने लगे? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देख कर कहने लगे ऐ सिद्दीक अकबर आप के होते हुए मैं खलीफा बनूं? यही बात उबैदा बिन जर्राह ने कहा ऐ सिद्दीक अकबर आप के होते हुए मैं खलीफा बनूं जबकि आपकी जात ऐसी जात है आपकी जात के हवाले से किसी का इख्तलाफ नहीं। ऐसे में अंसार में से एक सहाबी जिनका नाम बशीर बिन साद था वो खड़े होकर कहने लगे ऐ अंसार ये क्या मामला है, हम कहाँ डूब गए हैं, हम कहाँ गुम हो गए हैं, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद सिर्फ इसलिए की थी कि इसका बदला अल्लाह से लेंगे, आज हम खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं, नहीं हमें इस दुनिया में बदला नहीं चाहिए, हम हमेशा इस दिन की मदद करते रहेंगे, हम अंसार हैं, लिहाजा खिलाफत के हकदार ये मुहाजरीन हैं, ये खानदान कुरैश है, लिहाजा इनके सुपुर्द कर दो। एक एकर बशीर बिन साद जो अंसारी सहाबी थे वो सबसे पहले आगे बढ़कर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत किया, कहा मैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस उम्मत का खलीफा मानता हूँ। जब उन्होंने कहा तो उमर बिन खत्ताब फिर उबैदा बिन इसी तरह दीगर अंसारी तड़प तड़प कर दौड़ कर आकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे। इस तरह अभी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तल्फीन का मामला नहीं हुआ था, ये सब मामला उससे पहले हो रहा है। शमी रिसालत के परवान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह को इसकी खबर नहीं थी क्योंकि नबी ने विसाल के वक्त इरशाद फरमाया था कि मेरे तजहीज व तकफीन का जो भी मामला होंगे मेरे खराबदारों में से करेंगे, मेरे खानदान वालों में से।
तो हजरत अली हजरत अब्बास वगैरह उसी में लगे हुए थे वही पढ़ते, तो सारे सहाबा वहाँ पर जो अंसार था सब बैत ले ली। फिर मस्जिद नबी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आने के बाद वहाँ पर भी दीगर सहाबा को पता चला कि मुसलमानों ने सिद्दीक अकबर को खलीफा चुना, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आत पर सब सहाबा ने बैत की। अब हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों बैत नहीं किए थे। तो सबसे पहले सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर उनको तलब किया, कहां है जुबैर? अब्दुल्लाह बिन जुबैर, जुबैर वहां पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई थे। तो जब वो आए उनको बुलाए, जब मस्जिद नबवी में आए तो नबी तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, क्या जिस मामले में उम्मत मुत्तफिक है उसमें तुम मुंतशिर करना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके हाथ पर बैत होने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने भी बैत की। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ देर के बाद आए, तो रिवायतों में कि जब आए तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये सब तारीख की हकीकत बयान कर रहा हूँ, चूंकि आपको गलत तरीके से इस तरह ये तारीख पेश किया जाता है, पेश किया जा रहा है ताकि सिद्दीक अकबर उमर बिन खत्ताब इनके हवाले से आप बदजन हो जाए। एशियाओं का एक राफिजियों का एक तरीका चला आ रहा है कि किसी तरह सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से तवज्जो उठा लिया जाए, कि सबकी तवज्जो हजरत अली की तरफ किया जाए, एक मिशन उनका चल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तन्हाई में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे, तो सारा वाकया सबसे पहले हजरत अली ने सवाल किया, ऐ सिद्दीक अकबर आप मेरे अच्छे साथी हैं, आपने खिलाफत के मामले में मुझसे मशवरा ही नहीं लिया। तो सिद्दीक अकबर ने सारा मामला बताया, मेरी ख्वाहिश नहीं थी खिलाफत के मामले में, मुझे मुसलमानों ने इस तरह का मामला आया तो वहां पर मुझे मुसलमानों ने चुना। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को सुना तो वो भी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आत्म बैत हुए। तो शमे रिसालत के परवानों इस तरह सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तदफीन का मामला पेश आया। जब खलीफा हुए तो सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया, अगर मुझसे, मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती देखे तो हर एक को ये हक है कि उस गलती से मुझे आगाह करे, उस गलती से मुझे आगाह करे। अगर मैं इस्लाम और दीन से हटकर कोई भी अमल करता हूँ तो मैं खलीफा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। अगर मुझे दीन पर कायम देखो, इस पर मुझे यानी कायम देखो, तो ऐसे वक्त में तुम पर सब पर जरूरी है कि मेरी क़यादत में यानी मेरी इस खिलाफत को आप तस्लीम करें और इस चीज को तस्लीम कर दीन इस्लाम के अंदर अमन अमान कायम करने की कोशिश करें। तो शमे रिसालत के परवानों जब खलीफा हुए तो ऐसा मामला पेश आया कि अल्लाहू अकबर, बड़े गौर करने की बात कि एक जगह मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, जिसने हुज़ूर ने कहा था कि कयामत तक 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, कितना 30 कज़्ज़ाब, एक होता है काज़िब एक होता है कज़्ज़ाब, काज़िब बोलते हैं झूठे को और कज़्ज़ाब बोलते हैं सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठे को क्या बोलते हैं कज़्ज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद कयामत तक 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ये नबी ने फरमाया था। अब हुजूर के जमाने में ही एक गिरोह कबीले अली अनफिया नाम था हुजूर की बारगाह में आया दीन इस्लाम कबूल करने के लिए, तो उसमें एक शख्स था जिसका नाम मुसैलिमा था, क्या था मुसैलिमा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत, जो मुनाफिक था, शान और शौकत देखी तो उसे एक अंदाजा हुआ ये नबी होने की वजह से ये शान और शौकत है, ये नबी होने की वजह से शान और शौकत है। तो उसने क्या कहा कि दीन इस्लाम के नाम से उसने कुछ मांगा, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की लकड़ी थी, तो हुजूर ने कहा तुम दीन इस्लाम के हवाले से ये मांग रहे हो, मैं तुम्हें दीन इस्लाम के नाम पर ये छड़ी देने के लिए भी तैयार हूं, दीन इस्लाम के नाम से छड़ी देने के लिए, इसलिए कि तेरे बारे में मुझे मालूम है
तो फितना है तो आगे जाकर फितना बर्पा करेगा। उसी वक्त हुजूर ने बशारत दी थी उसके हवाले से, तो ये इस तरह करेगा, पेशेंगोई की थी। तो फिर वहां से निकला तो वहां उसकी वहां पर वो जलील हुआ। तो फिर जब अपने इलाके में गया, यमामा में रहता था, जब वहां पर गया तो उसने अपने मिशन पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक के जादू का इल्म उसने सीखा। तो उसकी जरूरत थी, इसलिए कि वो नबी होने का दावा कर रहा था। कोई पूछे कि नबी है तो तू ऐसा कर दे ऐसा कर दे, छोटी मोटी जादू के जरिए से कुछ चीज लोगों के सामने पेश करूंगा जिसकी बिना पर लोग मुझे मानेंगे। तारीख में आता है जब उसने जादू सीखी तो इस तरह नबूवत का उसने दावा किया, तो कुछ बीमारों को लेकर उसके पास आए थे ताकि उन्हें शिफा मिले, इसलिए कि वो जादू से कुछ न कुछ करता रहता था। तो एक अंधा था, एक आंख से माजूर था, उसको लाया गया, कहा एक आंख से माजूर है कि इसकी नजर वापस आए। तो उसने उसकी दूसरी आंख पर हाथ रखा तो फौरन उसकी दूसरी आंख भी गायब हो गई। एक लंगड़ा था, उसको लेकर आए थे कि उसको पैर मिल जाए, तो उसने उसके उस लंगड़ा पर जो पैर पर हाथ रखा तो उसका दूसरा पैर भी चला गया। यानी ऐसी हालत थी, यहाँ तक कि एक कुएं में पानी था तो लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि पानी और बढ़ जाए तो इसमें आप अपना लुआबे दें डाल दे, तो उसने उसमें थूका तो पूरा पानी खत्म हो गया था। ऐसा मामला था उसका। और जब लोग पूछते थे ये कैसे हो गया, आंख कैसे चली गई, तो कहता था अगर ये दिल से मुझे मानने वाला होता तो इसकी दूसरी आंख आ जाती, ये दिल से मानने वाला नहीं था इसलिए इसकी आंख चली गई। इस तरह बहाना बनाकर ये नबूवत वाला मामला आगे बढ़ाता था। तो उसने यमामा जाकर एक लेटर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक भेजा। उसमें क्या लिखा था, मैं चाहता हूँ कि नबूवत वाला मामला ऐसा हो कि आपके विसाल के बाद आप मुझे अपना नाइब बना लें। क्या कहा, आपके विसाल के बाद मैं नबी बनूंगा और आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत रहेगी और आधी दुनिया पर मेरी हुकूमत रहेगी। इस तरह उसने लेटर लिखा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक लेटर लिखा, तो नाम ही मुसैलिमा कज़्ज़ाब। क्या लिखा नबी ने, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम पर एक लेटर लिखा। अब वहां तक पहुंचाना था यमामा तक, उसकी भी एक फौज बन चुकी थी, वो भी लोगों को अपना गर्वित बना चुका था जादू के जरिए से, कहीं लोग उसके आस पास घूमने वाले थे। तो एक कमजोर सहाबी, हुजूर के जमाने की बात कर रहा हूँ, एक कमजोर सहाबी खड़े हो गए जिनके 11 या 12 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही कमजोर थे, खजूर खा रहे थे, कौन ये लेटर पहुंचाएगा। तारीख में कि वो खड़े हो गए, कहा मैं पहुंचाता हूं। वो साहबी खड़े हो गए, कहा मैं पहुंचाता हूं। दूसरे सहाबा उनको देखकर हंसने लगे कि उसके बड़े लश्कर हैं, वो कासिद को भी नहीं छोड़ता, उसको भी शहीद करता है। तो उन्होंने मुस्कुराकर मुस्कुराया, तो जो खजूर खा रहे थे खजूर के छोटे चीटे सहाबा इकराम के बदन पर आ गए, कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं खत लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी उस दिलेरी को देखा तो अपना घोड़ा दिया, देने के बाद में कहा जाओ कुछ बदन पर कुछ ऐसे लिबास दिए, देने के बाद लेटर देकर भेजो। वो वहां पर यमामा, यमामा जो फ्रांस का एक हिस्सा है, फ्रांस में मदीने से काफी दूर है, वहां तक उस घोड़े में सवार होकर गए। जाने के बाद में वहां पर जाने के बाद में मुसैलिमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे। वहां उसके वहां पर पहुंचने के बाद उसके मानने वाले ने कहा कि नबी का कासिद आया है, तो उसने अंदर तलब किया, कहा तो लेटर बादशाहों की आदत थी कि खुद नहीं पढ़ते थे बल्कि जोर से कोई पढ़ता था लेटर। तो किसी ने जोर से जब लेटर पढ़ा तो शुरू में ही लिखा था मुसैलिमा कज़्ज़ाब, तो सुनकर वो आपे से बाहर हो गए मुसैलिमा। तो उसने बर्जस्त कासिद से कहा बताओ इस खत में मुझे कज़्ज़ाब लिखा गया, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उन्होंने बर्जस्त कहा, कितने कमजोर लागर 11-12 बच्चे हैं। वो साहबे कहने लगे जब नबी ने तुझको कज़्ज़ाब कहा फिर मेरी राय की तुझे क्या जरूरत है, जो नबी ने कहा वही मेरी राय है। मुसैलिमा ने कहा तुम्हें मालूम है कि तुम कहां पर खड़े हो, मेरे पास पीछे मुड़कर देखो, एक लश्कर पीछे मौजूद है जो नंगी तलवार लेकर खड़ी है।
तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें पता है? तो उन्होंने क्या कहा, जब नबी ने कहा इस हद को ले जाओ तो मेरे 11 बच्चे थे जिनमें से कुछ बच्चे दूध पीने वाले थे, कुछ सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। जब नबी ने कहा मैं उन बच्चों को परवाह नहीं किया, अब मैं तुम्हारे लश्कर को परवाह क्यों करूं? क्या कहा, जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने घर वालों को बताया भी नहीं, अपने बच्चों को भी परवाह नहीं किया, इसलिए कि नबी की बात थी, नबी का मामला था। तो मैं आया, अब तुम्हारे लश्कर को मैं क्यों देखूं? उसने एक वार किया तलवार का, जिससे उनका एक बाजू कट गया, एक बाजू कट गया। फिर पूछा अब तुम्हारे क्या है? तो उन्होंने कहा मैं तो रोजाना सोते वक्त यही तमन्ना करता हूँ कि बिस्तर पर मुझे मौत ना आए, मुझे शहादत की मौत मिले। तुम अब मेरी तमन्ना क्या पूछते हो? मुझे शहीद करो, मेरे गर्दन अलग करो, तब भी मेरा फैसला है कि तू कज़्ज़ाब है, तूने नबूवत का दावा किया है। फिर वहां पर उनकी गर्दन मारी गई, वो शहीद हो गए। तो ये मामला बड़ा गर्म था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इसने अपने कदम को जमाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर खलीफा हुए, एक तरफ मुसैलिमा कज़्ज़ाब, एक तरफ असवद अंसी नाम का, उसने भी नबूवत का दावा किया, दूसरी तरफ अरब के कुछ कबीले ज़कात का मुनकिर हो गए, ज़कात देने से इंकार करने लगे, कुछ कबीले मुर्तद हो गए। यानी बड़ा बड़ा मामला। और एक लश्कर ऐसा था उसे जो उसामा बिन ज़ैद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भेजने वाले थे। तो नबी का विसाल हुआ तो सहाबा इकराम का मशवरा ये हुआ, सारे सहाबा बोले कि इनको ना भेजे, इनको ना भेजा जाए, इसलिए कि अतराब के कबीले वाले मुर्तद हो गए, कभी भी मदीने मुनव्वरा पर हमला कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा इस लश्कर को रोका जाए। तो सिद्दीक अकबर दूर अंदेश थे, बड़ी दूर को देखते थे। सिद्दीक अकबर सोचने लगे आज नबी की बात को छोड़कर लोगों के बात को मानी जाए, लोगों के मुताबिक फैसला कर ली जाए तो आइंदा दिन में इस कदर झूठ पैदा करेंगे लोग, फिर दिन को बिगाड़ कर रख देंगे। कहा नहीं, मुझे इसमें फैसला नहीं करना है, नबी ने जिस चीज के हवाले से फैसला कर लिया है उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा, इसलिए दिन मुकम्मल हो चुका है, हर एक ने इस दिन को समझ लिया है, अभी इसमें तरमीम या कुछ भी रद्द बदल नहीं किया जाएगा। उसामा को नबी ने भेजा है तो इस लश्कर को हम भेज के ही रहेंगे, अगर ये जाने के लिए तैयार नहीं, इनके साथ आप लोग तैयार नहीं तो खुद मैं इनके साथ तैयार हो जाऊंगा। एक कहकर सिद्दीक अकबर घोड़े पर बैठ गए जाने के लिए। कहां पर? जंगे मौता में कुछ सहाबा शहीद होते उनके बदला लेने के लिए रोमियो के मुकाबले में, एक मुल्क शाम की तरफ, एक बहुत बड़ा मामला था, एक बहुत बड़ा मामला। जब सिद्दीक अकबर को घोड़े पर बैठते हुए देखा तो उमर बिन खत्ताब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सब ने कहा ऐ सिद्दीक अकबर, हमने तो सिर्फ अपना राय दिया था, बल्कि जो आप हुक्म देंगे उस पर अमल करेंगे। तो सिद्दीक अकबर ने कहा नबी ने इस लश्कर को तैयार किया है, उसामा बिन ज़ैद को नबी ने इस लश्कर का कायद बनाया है, लिहाजा इनकी कियादत में ये लश्कर आगे बढ़ेगी। तो तारीख में है कि वो लश्कर मुल्क के शाम जाकर 40 दिन में फतह याब होकर वापस आ गया। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दूरंदेशी थी। अजान दे दो, बस कुछ 5 मिनट बोल के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم
اشهد ان محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهدني بسمي والبصر حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين المختصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دو سال تین ماہ اس مختصر سے وقفے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتنے برپا ہوئے یعنی دو زکات کے انکار کرنے والے تھے ان سے بھی جہاد کر کر اسلامی قوت کو ان کے سامنے بھی ظاہر کیا یہاں تک کہ وہ بھی زکات دینے پر دوبارہ مجبور ہو گئے اور دوسری بات مسیلمہ قذاب اور اسود انسی اور دوسرے اور بھی مدعیان نبوت تھے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کا بھی یعنی جڑ سے اکاڑ کر یہ سارے فتنوں کو نبوت کے یعنی ختم نبوت پر آنے والے آنچ کو بھی انہوں نے دبا دیا اس فتنے کو بھی ختم کر دیا ممکنین زکات کے خلاف جہاد کر کر ان کی اس فتنے کو بھی دبایا اور حضور کی وصال کے بعد بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے یعنی بالکل یعنی اس کی وجہ صحابہ اکرام جہاں جہاں اطراف میں جا کر دین پھیلائے تھے ان کے دل میں ابھی بھی شراب کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی اور دیگر مال کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ زکات وغیرہ ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا مال ختم ہو رہا ہے جو ہی نبی کا وصال ہوا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اب نبی نہیں ہے اب ہم زکات نہیں دیں گے انکار کرنے لگے اور کسی نے یہ بھی لیٹر میں بھیجا کہ پانچ وقت کی نماز ہم پر باری پڑ رہا ہے نماز میں بھی کچھ تخفیف فرما دیجئے اس طرح ایسے ایسے فتنے جنم لیے تھے بہت سارے تاریخ میں آتا ہے بنو ثقیف اور خاندان قریش چھوڑ کر قبیلے قریش چھوڑ کر پورا علاقہ مرتد ہو گیا تھا یعنی دین سے پھر گئے تھے پھر صدیق اکبر نے ایک ایسا نظام قائم کیا اس قدر ان کے خلاف جہاد کیا تو سب سمجھ گئے جو اسلام کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے تھے سب نے سوچا کہ جو قوت جو طاقت نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر موجود تھا وہ قوت ابھی بھی باقی ہے اگر ہم ان کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سر یہ تن سے جدا کر دیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دین اسلام پہ ہی قائم رہا جائے ایک ایک کر وہ دوبارہ دین کی طرف آئے روایتوں میں کہ دو سال تین ماہ کے عرصے میں جو جو فتنہ برپا ہوا تھا سارے فتنوں کو صدیق اکبر نے دبایا یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے جان لیا اگر ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہوتا تو اسلام کا معاملہ درہم برہم ہو جاتا یعنی ایسے فتنے پیدا ہو گئے تھے یہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کی بات تھی کہ انہوں نے سارے فتنوں کو دبا کر ساروں کو اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع کیا تو ان کی دور اندیشی دیکھو جب سب اپنے ذات کو منوایا سارے ان کو سرانے لگے اب ان کا خیال ان کی دور اندیشی کہ اس اسلام کو کافی دور تک پہنچانا تھا تو انہوں نے صحابہ اکرام کو بلا کر کہا کہ میں
इसके इस्लाम का एक खलीफा चुनना चाहता हूँ, आखिरी वक्त में खलीफा चुनना चाहता हूँ। तो उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ऐ सिद्दीक अकबर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो उन्होंने इशारतन कहा, मैं उमर बिन खत्ताब को खलीफा चुनना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए। तो उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या कहा, उमर बिन खत्ताब को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। फिर हजरत उस्मान गनी को बुलाकर पूछे, सिद्दीक अकबर, मैं उमर बिन खत्ताब को खलीफा बनाना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है। देखो ऐसे ही नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा, या ऐ सिद्दीक अकबर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उमर का जाहिर से ज्यादा बातिन अच्छा है, वो बातिनी इतबार से बहुत अच्छे उनके जाहिर के इतबार से। तो हजरत अली को बुलाकर पूछा, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया। अब कहा, तलहा को बुलाए, हजरत तलहा को, उन्होंने कहा कि उन्होंने आकर क्या कहा, वो तो सख्त मिजाज है, कल कयामत में अल्लाह अगर आपसे पूछे कि तुमने ऐसे को किसको खलीफा चुना, तो आप क्या जवाब देंगे। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैंने तेरे बंदों में से सबसे बेहतर शख्स को खलीफा चुना। इसको उमर बिन खत्ताब के हवाले से कहा था, तो उनका खलीफा चुनना था, उनके हवाले से लिख दिया गया कि मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा बनेंगे। दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरह वहां पर अदालत कायम किया था और किस तरह दूर दराज तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया था और परचम लहराया था। ये सिद्दीक अकबर इसलिए कि उमर बिन खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में सोचा करते थे कि जो कुछ मेरे इस खिलाफत में दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है उसकी वजह सिद्दीक अकबर है, इसलिए कि उन्होंने सारे फितनों को खत्म कर एक फ्रेश इस्लाम मेरे सामने रख दिया था जिसको मैं आसानी से चला पाया। अगर वही फितना होता तो मैं इसको चला नहीं पाता। ये उनका सोच समय रिसालत के परवान। ये सिद्दीक अकबर जुमादुल उखरा के 22 तारीख को इस दारे पानी से रुखसत हो गए। तो हमने यहाँ पर उर्स भी मनाया बच्चों के साथ मिलकर। तो उनके नाम से उनके खिलाफत के हवाले से कुछ मुख्तसर सी बात थी और काफी बातें हैं जो मुख्तसर वक्त में जो पेश आया था। तो इंशाल्लाह किसी और मौके पर बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को उनके बताए हुए हर बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उनकी सदाकत, उनके खिलाफत और उनकी करामत और उनकी सच्चाई का हम पर छींटा अता फरमाए, उसका हमें सदका अता फरमाए। और जो कुछ यहाँ पर बयान हुआ इन तमाम चीजों का सबब मरहुमा फातिमा बी के हक में हम इसाल करते हैं, अल्लाह ताला उन तक पहुंचाए। शमी रिसालत के परवानों, मरने के बाद कोई भी अमल काम नहीं आता, लेकिन हुजूर ने फरमाया तीन चीज जिसका ये अजर जारी रहता है, उनमें से एक सदका जारिया है। मरहान मरहुमा ने अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया भी छोड़ा है और उन्होंने यानी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उनको इंशाल्लाह कब्र में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। आज की इस महफिल का भी सवाब हम आपके हक में इरसाल करते हैं। अल्लाह